मंडी के विभिन्न संस्थाओं द्वारा नगर निगम मंडी के गठन के लिए वार्डों की जो सीमाएं बनाई गई हैं उसके विरोध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर सरकार और प्रशासन से मांग की है कि खलियार पुरानी मंडी दरमियाना वार्डों को विभाजित न किया जाए। नगर निगम मंडी का गठन के लिए वार्डों की जो नई सीमाएं बनाई गई है उसका सभी विभिन्न सामाजिक संस्थाएं विरोध कर रही है। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक सभा के प्रधान ओपी कपूर और वीर मंडल के प्रधान चंद्रशेखर बैदे ने मंडी को नगर निगम का दर्जा मिलने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया, लेकिन जो वार्डों का विभाजन किया जा रहा है उसका सभी संस्थाएं विरोध जता रही हैं और सरकार और प्रशासन से मांग की है कि खलियार पुरानी मंडी दरमियाना वार्डों को विभाजित न किया जाए। ओपी कपूर प्रेसिडेंट सिटीजन काउंसिल फेडरेशन एज वेल एज प्रेसिडेंट सिटीजन काउंसिल, आज हम लगभग 30 संस्थाएं मिलकर जिलाधीश महोदय से मिले और उन्हें जो डीलिमिटेशन की प्रोसेस इन्होंने की हुई है उसके विरोध में हमने एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में हमने ये बताया कि हमारे जो पुरानी नगर परिषद थी उसके जो 4 वार्ड थे वो जो क्राइटेरिया है 2500 का वो पूरा करता था, तो वो 4 वार्ड भी इन्होंने डिस्टर्ब कर दिए, तो वो तो वैसे के वैसे रहने चाहिए। उसके बाद 4 वार्ड और हैं जिनकी जनसंख्या मापदंड से थोड़े से कम है, 100, 200, 300, तो वो भी इन्होंने डिस्टर्ब कर दिए। वो अगर उनमें थोड़ी सी आबादी जोड़ी होती जिनमें ज़्यादा है जहाँ जिस क्षेत्र में, तो 8 वार्ड तो वैसे की वैसे ही हमारे जैसे हैं वैसे रह जाने थे, ना लोगों को कोई परेशानी होनी थी, कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए कागज़ चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, उसके बाद आपके आधार कार्ड सब में चेंज कराने पड़ेंगे, इसको वाइड किया जा सकता था। उसके साथ जो 5 वार्ड बच गए हैं उसके 2 या 3 वार्ड बन सकते थे, जिन वार्डों के 2-3 अगर हम बना सकते हैं तो 3 भी बन सकते थे, तो 11 वार्ड तो वैसे ही रहने थे जैसे पहले था। जो अभी हमारे इन्होंने डीलिमिटेशन किया है उसमें इन्होंने और प्रिंसिपल अपनाया है कि शहर को जोड़ा है गांव के साथ, जो एरिया मर्ज होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मर्ज होने वाला एरिया जो है वो शहर के साथ जोड़ा है, तो उससे सारी प्रॉब्लम जो है वो खलियार से शुरू हुई, क्योंकि खलियार को आधा करके उसमें बिजनी में डाला गया, उससे खलियार का अस्तित्व जो बहुत सालों से हमारा बढ़ रहा है, परमानेंट पुरानी मंडी खलियार बड़े परमानेंट बढ़ रहे हैं, तो उनको ख़त्म कर दिया उन्होंने। शहर के लोगों में इसके बारे में बहुत रिजेंटमेंट है, इसका विरोध करने आज अगर हम चाहते तो 2-4 हज़ार लोग भी यहाँ इकट्ठे हो सकते थे, परंतु कोरोना काल के कारण इतने लोग इकट्ठे हमने नहीं बोला उनको। संस्थाएं आई हैं आगे वही बात कर रही हैं, बाकी इंडिविजुअल कुछ वार्ड की प्रतिनिधि हैं हमारे जैसे वैद्य प्रधान वीर मंडल। आज मंडी शहर की जो 25-30 संस्थाएं धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जो है आज माननीय जिलाधीश महोदय से जिन्होंने अपने से डीलिमिटेशन का विरोध व्यक्त किया, उनमें से हमने वीर मंडल की तरफ से दरमियाना वार्ड का और जो भगवान वार्ड को डीलिमिट किया गया उसके बारे में हमने अपने सजेशंस दिए। ना सिर्फ हमने दरमियाना और भगवान वार्ड अपितु पूरे शहर के वार्डों का एक खाका तैयार करके हमने माननीय जिलाधीश महोदय के सन्मुख भी रखा। आज जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ दरमियाना वार्ड का, दरमियाना वार्ड शहर का बहुत पुराना वार्ड है और बिल्कुल शहर के बीच में, इसलिए इसे दरमियाना कहा जाता है क्योंकि दरमियाना बीच का होता है, और पुराने वार्ड को दरमियाने को समाप्त करके इसके 2 पार्ट कर दिए गए। एक पार्ट समक्षेत्र में जो कभी शमशान घाट शिवा बौली तक का एरिया बंगला में भगवान में होता था वो अब समक्षेत्र में चला गया, बंगले महामाया के मंदिर के सामने का एरिया समक्षेत्र में। और जो भगवान वार्ड है ये बड़ी हैरानी की बात है कि भगवान वार्ड का जो एरिया है वो शिवा बौली से शुरू होता है और जैन चौक नॉर्थ से होते हुए होटल कोयल तक पुराने पुल तक जाएगा और उसके बाद चौटा कॉम्प्लेक्स और ये बात सीधे टारना की सीढ़ियों से शुरू करके आईपीएच के दफ्तर तक टारना तक पहुंचा दिया गया है। क्या भगवान का प्रतिनिधित्व आईपीएच टारना के ऑफिस तक होगा? क्या वो अगर आईपीएच का कार्यालय जो टारना में आया क्या वो थनेड़ा के साथ और टारना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था?
हमने ये सुझाव दिया कि वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 बंगला और भगवान को चैन चू के नॉर्ड पुराने पुल से लेके और गोल पौड़ी तक एक बराबर स्पॉट लग है और 2500 की आबादी को भी पूरा करता है कि जिस प्रकार खलियार के साथ लोअर बिजनी को मिला के खलियार बनता है, पुरानी मंडी को छेड़ा ना जाए और ऊपर की बिजनी और साथ में छिपनू और झुली को मिला के एक वार्ड बन जाता है, उसी प्रकार दरमियाना और भगवान को मिला के एक वार्ड पूरा बना के ये 2500 की आबादी को पूरा करता है कि आप एक बार पूर्ण वर्कआउट कीजिए और सारे शहर के वार्डों का डिटेल्स आपके पास दे दिए हैं, अगर पूरा प्लान और बनता है तो हम उसको भी करेंगे। और इस संदर्भ में वीर मंडल ने कल शाम को हमारे मंडी के सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी से, वीर मंडल का डेपुटेशन मिला था, उन्हें भी हमने अपनी भावनाओं से अवगत करवाया था।